हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में फ्रेंड जैसा कि आप सभी को मालूम होगा हमारे द्वारा बेस्ट वन लाइनर झारखंड जीके का एक हजार प्लस प्रश्नों का जो की सीरीज शुरू किया गया है जिसका यह पार्ट सिक्स है और अगर आप लोगों ने पिछले पाँच वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं सभी जो है कि प्रश्न जो है कि अच्छे लेवल के लिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीरीज़ में जो प्रश्न करवाया जा रहा है वो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे कि झारखंड सचिवालय झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल वनरक्षी झारखंड एसाइज इत्यादि एग्जामों में जो है आप लोग को प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे उन प्रश्नों को वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट देखिएगा ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता है और यदि आप नोट्स करना चाहते हैं तो आप नोट्स भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते वीडियो में आगे की ओर चलते हैं और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी आगे वीडियो आते आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन जो है कि आप लोग को मिलती रहेगी तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन है और यह जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज का यह या 201 यानी कि 201 नंबर का यह क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है तो चना की जो खेती किया जाता है वह झारखंड का जो पलामू जिला है यहाँ पर सबसे अधिक होता है यानी कि सर्वाधिक जो है पलामू जिला में किया जाता है यानी इसका जो आंसर होगा पलामू जिला ठीक है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि का गुफा स्थित है चतरा का कौन सा प्रखंड है जहां पर जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि का गुफा स्थित है तो फ्रेंड्स यह है हंटरगंज हंटरगंज इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक सीरीज में जो है कि आप लोग को 40 प्रश्न करवाए जाते हैं और इस सीरीज कंप्लीट होते तक जो है कि आप लोग को एक हजार प्रश्न एक हज़ार प्लस जो है कि प्रश्न को करवाया जाएगा और सभी प्रश्नों को जो कि अच्छे लेवल से करवाया जाएगा यहाँ पे वैसे प्रश्न करवाया जाएगा जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी जो है यहाँ से पूछा जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न है दो हजार ग्यारह के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है तो के के दो जा, तो हजार है पचहत्तर दशमलव सात पांच प्रतिशत अगला प्रश्न है जुबली पार्क कहाँ स्थित है तो यह जुबली पार्क जो है कि यह जमशेदपुर में स्थित है इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर अगला है राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था तो इसका जो गठन है वह अगस्त 2022 ईस्वी को किया गया था यानी इसका आंसर होगा अगस्त 2022। नेक्स्ट है पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है जो पालना डैम है यह झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है स्वर्ण रेखा इसे स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है याद रखिएगा स्वर्ण रेखा पर जो है कि पालना डैम स्थित है अगला प्रश्न हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक का क्या नाम है यानी कि जो हो जनजाति होते हैं उसमें शासन व्यवस्था में मुंडा का जो सहायक होता है तो मुंडा का सहायक होते हैं उसे क्या नाम होता है तो उसका जो नाम होता है वह डाकुआ इसका आंसर होगा डाकुआ अगला प्रश्न है पहला नागवंशी राजा कौन था तो पहला नागवंशी राजा जो था वह फनी मुकुट राय इसका आंसर होगा अगला प्रश्न झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे वह प्रभात कुमार थे फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और इनके बारे में जो भी जानकारी होगा कब से कब तक कार्यकाल रहा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चलिए अगला प्रश्न है झारखंड के अक्षांशीय विस्तार क्या है तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 21 डिग्री अंठावन मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री उन्नीस मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश है यानी 21 डिग्री अंठावन मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री उन्नीस मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं खोड जनजाति में पाई जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहा जाता है तो खोंड जनजाति में जो नरबली प्रथा पाई जाती है उसे मरिया प्रथा जो है कि कहा जाता है यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा मरिया प्रथा अगला प्रश्न 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था ताना भगत आंदोलन यानी कि 1914 ईस्वी में जो है झारखंड में ताना भगत आंदोलन जो है कि हुआ था यह प्रश्न पूछा भी जाता है ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था अब याद रखिएगा अगला प्रश्न है झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है यानी झारखंड की कौन सी एकमात्र जनजाति है जो पहाड़ और जंगल में रहना जो कि पसंद नहीं करती है और मजदूरी करने के लिए जो है कि अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है तो यह जो जनजाति है वह चेरो जनजाति इसका जो आंसर होगा चेरो जनजाति अगला है मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है तो मलेर जो है कि सौर्या पहाड़िया जो जनजाति है इसका दूसरा नाम है यानी सौर्या पहाड़िया का जो दूसरा नाम है वह मलेर जनजाति इसका आंसर हो जाएगा मल सौरिया पहाड़िया अगला प्रश्न केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है कि यह जलगोड़ा में स्थित है अगला प्रश्न झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है तो यह सिंदरी में किया गया है इसका आंसर होगा सिंदरी अगला प्रश्न किस काल में लावा का राजमहल पहाड़ियों का निर्माण हुआ है यानी किस काल में लावा का राजमहल पहाड़ियों का निर्माण हुआ है तो जुरासिक काल में जुरासिक काल में राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है अगला प्रश्न झारखंड के तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है तो तांबा उत्पादन खान जो है यह घाटशिला में स्थापित किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे सभी प्रश्न जो कि वन लाइनर है इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नों के साथ डायरेक्टली जो है कि मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ अगर आप डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग के लिए जो है कि यहाँ पर डिटेल्स में वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोई भी सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा अगला प्रश्न है रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है तो यह है राधा कृष्ण ठीक है यहाँ पे रामलीला कहानी जो संग्रह है इसके जो मतलब लेखक है वह है राधा कृष्ण ठीक है किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है जमशेदपुर में अगला प्रश्न भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे जो भूमिज विद्रोह है इसके नेता कौन थे तो गंगा नारायण सिंह याद रखिएगा गंगा नारायण सिंह है अगला प्रश्न किसके समय में सोलह ईस्वी में रामगढ़ राज्य बदाम रामगढ़ राज्य राजधानी बदाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई रामगढ़ राज्य की जो राजधानी है ठीक है ना रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई तो यह दलेल सिंह ठीक है इसका आंसर हो जाएगा दलेल सिंह अगला प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है तो झारखंड की जो असुर जनजाति है यह लौह कर्मी है यानी इसका जो आंसर हो जाएगा असुर ठीक है चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है इसका जो आंसर होगा बोकारो स्टील प्लांट यह जो है कि बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है और यह झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है ठीक है अगला प्रश्न है कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन में पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं के शिकार करती है यानी कि कौन सा त्यौहार है जिसमें कि जनजातीय महिलाओं के द्वारा जो है कि पूरे दिन में पुरुषों के कपड़े जो था था था। 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 कपड़े तो है कि पहनते हैं और पुरुषों के कपड़े पहनकर जो है पशुओं का शिकार करते हैं तो वह त्योहार है मुक्का सेंद्रा इसका जो आंसर होगा मुक्का सेंद्रा ठीक है अगला प्रश्न है रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? था तो यहाँ पे रामगढ़ का जो अधिवेशन है जो कि 1940 में हुआ था और यह जो कि तिरपनवा जो था वार्षिक अधिवेशन था इसका जो आंसर होगा तिरपनवा ठीक है चलिए अगला प्रश्न है नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियाम्बे कहाँ स्थित है जो सूतियाम्बे है वह कहाँ स्थित है यह रांची में ठीक है अगला प्रश्न दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है कि उन्नीस सौ अड़तालीस ईस्वी में किया गया था और यह दामोदर नदी पर है आप लोग को मालूम होना चाहिए दामोदर घाटी जो निगम की स्थापना है यहाँ पर उन्नीस यह सौ अड़तालीस ईस्वी में जो कि किया गया था इसका स्थापना याद रखना है अगला प्रश्न है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस में मिलता है यानी कि झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक उल्लेख जो है वह किस में मिलता है तो तेरहवीं सदी के एक ताम्रपत्र में जो है कि मिलता है ताम्र पत्र में ठीक है ना ताम्र पत्र जो है वहां पर झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख जो है पुरातात्विक ठीक है ना पुरातात्विक उल्लेख जो है कि मिलता है याद रखना है अगला प्रश्न है सरदारी मुंडा का विजय विलय जो है अंततः किस आंदोलन में हो गया था यानी कि सरदारी लड़ाई का जो विलय है अंततः किस आंदोलन में हो गया था तो मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा उलगुलान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है तो झारखंड का जो स्थान है वह चौदाहवा है अगला प्रश्न यहाँ पर है झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है यानी कहाँ स्थित है जो बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है यह जो है कि रांची जिला में स्थित है अगला प्रश्न है और यह जो कि बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है यह झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है अगला प्रश्न झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन था या तो यह था गोसनर इवेजिकल लूथनर जिसे जी ई एल भी कहते हैं ठीक है ना जी ई एल मिशन भी कहा जाता है यानी कि गोसनर इवेजिकल लूथरन जो मिशन है यह झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन है चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अठारह की पहले जनगणना में झारखंड के कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था तो अठारह की जो जनगणना हुआ था उसमें झारखंड के 18 जनजातियों को जो है सूचीबद्ध किया गया था यानी इसका जो आंसर होगा 18। अगला प्रश्न झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे तो झारखंड बनते समय राज्य में जो है यहाँ पर जो है अठारह जिले थे ठीक है यहाँ पर अठारह जिले थे ठीक है अगला प्रश्न यहाँ से है फ्रेंड्स देखिएगा झारखंड में किस जनजाति को टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है झारखंड में किस जनजाति को बत्तीसवीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली तो झारखंड का जो यहाँ पे यदि बात करें झारखंड की जो जनजाति है बत्तीसवीं जनजाति जिसे 2003 में जो है की मान्यता मिली थी वह है कोल कोल जनजाति जिसे भारत के बत्तीसवीं जनजाति के रूप में जो है कि मान्यता मिला था कब मिला था तो 2003 हजार ईस्वी में जो है कि मिला था अगला प्रश्न है जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की तो जमशेदपुर शहर की स्थापना जो है जमशेद जी नशक नस नस जी टाटा के द्वारा यानी कि जमशेद जी नस खानजी टाटा के द्वारा जो है जमशेदपुर शहर की स्थापना किया गया था किया गया है ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो झारखंड का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है गढ़वा याद रखना है गढ़वा जो कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है अगला है झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है यानी कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है तो वह जिला है लातेहार लातेहार में जो कि बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है जिसे आप जान रहे होंगे बेतला नेशनल पार्क जिसे कहते हैं यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह लातेहार जिला ठीक है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा यानी कि झारखंड में सर्वा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो वह जिला है रांची ठीक है यहाँ पे देखिएगा रांची जिला आप लोग को दिख रहा होगा तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग को जो कि आज का ये साठ क्वेश्चन सॉरी चालीस क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे टोटल जो है कि अब तक यदि देखा जाए तो लगभग 240 प्रश्न जो को जो करवा दिया गया और ये ये सीरीज का जो है कि सिक्स पार्ट था और प्रत्येक वीडियो में चालीस प्रश्नों को करवाया जाता है तो आप जो है कि इस तरह के प्रश्नों को पाने के लिए आप देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा सभी प्रश्नों की अच्छे लेवल के करवाए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी प्रश्न जो है कि ऑनलाइनर करवाए जा रहे हैं इसमें जो कि ज़्यादा अगर आप लोगों को नोट्स भी करना होगा तो आप नोट्स इसे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और कोई सजेशन भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें उस पर जो कि अमल किया जाएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय झारखंड